18 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा दिया है 9 साल में उड़ीसा को। कितना दिया है एक बार जोर से बोलो, कितना दिया है? 18 लाख करोड़। ये मोदी जी भेजे, सड़कों के लिए भेजे, पीने के पानी के लिए भेजे, अलग अलग विकास के कामों के लिए भेजे। लेकिन ये नवीन बाबू की सरकार उस पैसे को ठीक से नहीं लगा रही, इंप्लीमेंट नहीं कर रही। अरे प्रधानमंत्री तो पैसा भेजते ही काम तो यहां करना पड़ता है, यहां धरती पर काम ही नहीं होता, और उसमें भी ब्रांडिंग कर लेते नवीन बाबू। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। मैं वहां से चला भुवनेश्वर से, बड़े बड़े फोटो कटाऊ नवीन बाबू का, लेने देने कुछ है नहीं, फोटो लगाओ कटाऊ लगाओ, अपना नाम हो जाए बस। और उड़ीसा में जनता के लगने लगे कि नहीं जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं। मेरे बहन और भाइयों, अगर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो उड़ीसा हिंदुस्तान के नंबर एक का राज्य बन जाता है, इतनी संभावना है। जितना मोदी जी ने दिया है, अरे हमारा सौभाग्य है कि हम उस युग में पैदा हुए हैं जिस युग में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं कल था कोलकाता में, आज सवेरे बैठ जाया हूं, मैं बेलूर मठ गया, स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन किए, जिस कक्ष में वो ध्यान करते थे उसमें भी मैं बैठा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र, नरेंद्र बोलते थे बाद में विवेकानंद, और स्वामी जी ने 100 साल से ज्यादा हो गया उस समय कहा था। तब उन्होंने कहा था सुदीर्घ रजनी समाप्त ही जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विष्णु गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। 100 साल से ज्यादा हो गए तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और तब से अब हुए हैं एक दूसरे नरेंद्र, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत को उस स्थान पर ले जा रहे हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। अरे बताओ 2014 के पहले भारत का इतना सम्मान दुनिया में था क्या? कांग्रेस के राज में कोई भारत का सम्मान दुनिया में था क्या? मैं मुख्यमंत्री था तो मैं कई राज्य कई देशों में जाता था, कहीं मान नहीं, कहीं सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं। फिर डिप्टी से देश हमें डराते थे, कभी पाकिस्तान कभी और कोई, और भारत ऐसा झुका ही रहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया में जहां देखो भारत माता की जय जयकार हो रही है, जय जयकार हो रही है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।